रहा है गाइस, हम सब स्ट्रीट फूड लवर्स हैं, तो इसलिए ये चैनल तो स्पेशली हमने किया है। गाइस अगर आप भी स्ट्रीट फूड लवर्स हो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमने ऑलरेडी इसके दो पार्ट्स कर लिए हैं, तो प्लीज आप उसे जाके देखिएगा। गाइस इस बार भी गोलगप्पा चैनल कोई नॉर्मल चैनल नहीं है, इस बार एक ट्विस्ट के साथ है। आपको मालूम है कि ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स कंप्लीट हो गया हमारे चैनल को शुरू होते हैं, तो हमने सोचा कि आप पूरा रिवाइंड करके सारे क्वेश्चन पूछेंगे। पापा हमें क्वेश्चन पूछेंगे और हमें उसका आंसर देना है। गाइस अगर हमने सही आंसर दिया तो हमें मीठा गोलगप्पा खाने को मिलेगा, लेकिन हमने गलत आंसर दिया तो हमें तीखा गोलगप्पा खाना पड़ेगा। oh, no. मुझे मीठा गोलगप्पा बहुत पसंद है, लेकिन तीखा मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। हाँ गाइस आपने ट्राई नॉट टू ईट चैनल तो देख ही लिया होगा, अनु से बिल्कुल भी नहीं कंट्रोल किया जाता है। जब गोलगप्पा सामने आता है तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होने वाला है। तो गाइस आ गया हमारा गोलगप्पा, उसके फिलिंग मीठा पानी और तीखा पानी। हमारे पास इधर 2020 गोलगप्पे थे, क्योंकि 2020 चालू हो गया था, हमारे पास 20 गोलगप्पा इधर है, 20 गोलगप्पा उधर है। अनु आर यू रेडी? यस। जो पहले हाथ उठाएगा वही आंसर देगा। तुम्हारा पहला क्वेश्चन ये है कि यूट्यूब पे तुम्हारा सबसे पहला वीडियो कौन सा था? अनु ने सबसे पहले हाथ उठाया, तो अभी अनु बताएगी। स्नोफ्लेक्स वाला था, मुझे याद है आयुष्का का पहला वीडियो था, वो स्नोफ्लेक्स बना रही थी और वो बाद में अपलोड हुआ, लेकिन वो फर्स्ट वीडियो था। हाँ मुझे वो एकदम अच्छे से याद है कि वो मेरा सबसे पहला वीडियो था और मैं बहुत छोटी भी थी। अभी का वीडियो पहले का वीडियो देखे तो बहुत डिफरेंस भी पता चलता है, तब आयु की वॉइस तो एकदम डिफरेंट थी, क्यूट सी वॉइस थी। हाँ अगर तुम्हें आपने देखा नहीं है तो जरूर जाके देखना। तो मम्मा मेरा करेक्ट है क्या? हाँ अनु का आंसर सही है, तो अभी अनु मीठा पानी पूरी खाएगी। ओके मैंने तो मजे से खा लिया, इतना यम्मी था। अब मैं अगला वाला जरूर आंसर करूंगी, तब तू जरूर हारेगी, फिर नहीं तो हारोगी और तू हारेगी। और गाइस एक और चीज मुझे तो अभी याद आई, आयुष को तीखा गोलगप्पा खाना होगा क्योंकि उसने तो आंसर किया ही नहीं। हाँ आयुष को तीखा खाना है, वो तो मैं भूल ही गई। अरे वाह इसके लिए तो सोच रही इतना भाग क्यों रही थी, खा तीखा गोलगप्पा खा मजा आएगा। और इस बार भी मैं ही जीतूंगी है ना? नहीं अब अनु को 1 पॉइंट मिला है, अगला वाला मुझे चाहिए। तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि तुम्हारा पहला वीडियो जब था तो तुम कितने साल की थी? मुझे भी मालूम है। चलो आयु ने पहले हाथ उठाया। ऑब्वियसली मैं 10 साल की थी, मुझे तो पता ही होगा ना मैंने ही किया था। नहीं शायद से 9 साल की थी। 10 साल की थी है ना माँ? हाँ 10 साल की। मुझे कैसे नहीं पता होगा, मैंने ही तो किया है, तो मतलब मैं खाऊंगी है ना माँ? हाँ अभी मीठा तुम्हारा। नहीं देख रहा मुझे, ये ऐसा नहीं हो सकता मेरे सामने, टॉर्चर है। तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा है कि तुम्हारा सबसे पहला हिंदी वीडियो कौन सा था? गलत जवाब। करेक्ट आंसर है टाइप्स ऑफ टीचर। ओह नो पहले शूट हुआ था टाइप्स ऑफ ट्यूशन टीचर, लेकिन पहले अपलोड हुआ टाइप्स ऑफ टीचर, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ? तो मतलब मैं मीठा वाला खाऊंगी। ओके तो चलो नेक्स्ट राउंड में चलते हैं, तो मम्मा नेक्स्ट राउंड चले। नहीं नहीं तीखा कौन खाएगा? हाँ खाना पड़ेगा ना, गलत आंसर दिया आपने।
मैंने क्यों गलत आंसर दे दिया? आंसर ही नहीं दे सका आता ये तो अभी स्कोर है 2-1-2। नहीं नहीं चीटिंग नहीं तो सीखा मैं डुबा। Oh, no. ये दूसरी बार इन्हें टीका खा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा कि कौन सा वीडियो तुम्हारा है जो सबसे पहले मिलियन में गया? मुझे पता है। चलो बताओ कौन सा था? हमारा हैलोवीन फर्स्ट हॉरर वीडियो। हैप्पी हैलोवीन। गलत आंसर। इंग्लिश में था याद है? इंग्लिश में कौन सा? वो हैलोवीन हॉरर वीडियो मैं तू सुमित विद्या नहीं वो पुराने घर में मीठा पानी मिलेगा। अब मैं खाने वाली हूँ मीठा। तो अनु का पॉइंट कितना हुआ? अनु का दो दो टू ऑल। सबसे मजा था जब तीसरी बार भी अनु को टीका मिला होता। वाओ अभी कौन टीका कौन कहेगा? तो पनिशमेंट तो लास्ट में लगता है मुझे। नो चीटिंग। ओह नो। कैसा लग रहा है इतना मीठी बात की का? अभी ये है कि तुम बताओ तुम्हारे सबसे पहले हॉरर वीडियो कौन सा था? आई मैं हाथ उठाया बताओ। हैप्पी हैलोवीन। ओह नो। हमारा एक और ही यार हम ट्रिकोट्री नहीं मैं बहुत पहले का एक वीडियो था मुझे अच्छे से याद है जिसमें मैं स्कैरी स्टोरी सुना रही थी फ्रेंड्स को। सारे स्कैरी स्टोरी मैंने सुनाया था पूरा आयु को डरा डरा के। मुझे टीका पानी नहीं चाहिए। सेकेंड टाइम में सही का तीखा लगता है। सेकेंड में थर्ड टाइम में बहुत तीखा लग रहा है। कौन से वीडियो में पहली बार न्यूज रिपोर्टर बनी थी? मैं मुझे मालूम है कुकिंग चैलेंज में बनी थी नारियल अन्ना। बहुत फनी था गाइस उसको देखा तो बिल्कुल मत भूलना। हाँ गाइस मैं तो मीठा खाने के लिए तड़प रही हूँ। मैं तो खा रही हूँ। अभी अनु आपको तीखा खाना है चलो। तो अगला क्वेश्चन तुम्हारा है तुम्हारा कौन सा वीडियो है जिसमें मम्मी पहली बार आई थी वीडियो में? आई थिंक दिवाली वीडियो। सही तो सही मिल गया मुझे अभी तक याद है। उसमें कुछ मेरा पैर वैर जला था कुछ अच्छी स्टोरी थी तो उसमें मम्मा आई थी। बहुत मजा आया था उनके साथ शूट करने में। मतलब दिवाली में मम्मा ने आई थी तो बहुत अच्छा लगा था। मीठा किसको मिलेगा? मुझे। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा तुमने अपना यूट्यूब चैनल कभी स्टार्ट किया था? आयु 2017 डेट ऑफ मंथ मुझे मालूम है 7th August। Oh no! How can I forget our own day? तो 5-3 और अभी मैं सोच भी नहीं सकती हूँ मैं तीखा डालेगा। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों की प्लानिंग है। बेचारी का तीखा खा खा के हालत खराब हो गई। गाइस प्लीज मुझे सपोर्ट करो मेरे लिए प्रे करो कि अनु को ही पनिशमेंट मिले। माफ करे टाइम हो जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा चैलेंज वीडियो कौन सा है पहला चैलेंज? मुझे तो कौन सा अनु अनु चॉकलेट वर्सेस रियल नहीं गमी वर्सेस रियल था। ए अब मुझे मिलेगा मीठा वापस और अनु को मिलेगा तीखा। किसका आइडिया था गोलगप्पा चैलेंज करने का? तुम्हारे फ्रेंड्स का आइडिया था। आप लोग ने मेरी मौत तय कर ली है दोस्तों। तीखा खाने में तो अलग ही मजा है। हल्का 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 भी नहीं। बहुत तीखा है।
बाकी है, भूल कैसे सकते हैं? मम्मी पनिशमेंट डिक्लेयर कीजिए अनु के लिए। तत्ती का खा खा के हम मर गए हैं। तो मैं क्या करूँ, तुमने गलत आंसर किया है। तो एक और आपको पनिशमेंट मिलने वाली है। क्या है वो? है ये आपको गार्लिक खाना है। तो अनु का पनिशमेंट है गार्लिक एक कली खाना है, एक बाइट नहीं बाइट, चलो बाइट ही खा लो। मीठा है ना? जब फ्रेंड्स आपको एक सीक्रेट बता दूं, बिहाइंड द कैमरा हमारे मम्मा, हमारे कैमरामैन और हमारे सारे लोग बोल रहे थे कि लहसुन बहुत यम्मी टेस्ट करता है, और इसके लिए हमने थोड़ा बड़ा बाइट ले लिया और फिर इतना कड़वा निकला ना। हम तो बोल रहे थे कि बड़ा मीठा है, खा ली हमने एकदम मजे से। मुझे थोड़ी पता था इतना कड़वा निकलेगा। अच्छा एक्सपीरियंस बताइए सबको, कैसा था वो लहसुन का टेस्ट? जैसा भी एक्सपीरियंस है लाइफ टाइम मत खाना। मैं भी इसको अकेले खाऊंगी नहीं, चाहे गार्लिक ब्रेड इतना यम्मी लगता लेकिन गार्लिक अकेले बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। गाइस उन्होंने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया आपके लिए, ये खाया। तो गाइस वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टा टिकटॉक फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।